इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाशगंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। वर्षों पहले जब मैं सवितान में थी, उस समय महाराज जारांत थार के युवराज थे। सवितान में हमारा दीक्षांत समारोह चल रहा था। मुझे भी धोखा दे गई। सवितान की बहनों, जब से ब्रह्मांड में नारी का जन्म हुआ है उस पर अनेकों प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। उसे मनुष्य की लोलुपताओं का शिकार होना पड़ा है। नारी की इस पीड़ा को हमारी आदि माता ने समझा और इस सवितान आश्रम की स्थापना की और यहां से शिक्षित होकर हमारी बहुत सी बहनों ने ब्रह्मांड में नारी जीवन को दृढ़ता प्रदान की है और उसे सुखमय बनाया है। आज से आप लोग भी सवितान की गुप्त शक्तियों की स्वामिनी हुई। ये शक्तियां आपको अन्य स्त्रियों से विशेष बनाती हैं, किंतु हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि हमारी शक्तियां सूर्य द्वारा संचालित होती हैं। जब तक सूर्य आकाश में रहता है ये कार्य करती हैं और सूर्य ढलते ही सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मेरा एक सुझाव है कि रूप बदलने जैसी विद्याओं का प्रयोग उचित समय तथा उचित कार्यों के लिए ही करना चाहिए। रासा, वो देखो, कोई चुपके हमारा भेद ले रहा है। आओ मेरे साथ।
अरे ये तो आप लोग हैं, बड़ी अजीब जगह है ये। यहाँ सोचो कुछ और दिखाई कुछ और देता है, करो कुछ और होता कुछ और ही है। तलवार सांप बन जाती है और सांप तलवार बन जाता है। लड़कियां वेश बदल लेती हैं, डायन बन जाती हैं और फिर वही डायन सुंदर सी लड़कियां बन जाती हैं। वैसे कौन सी जगह है ये? सवितान आश्रम है महिलाओं का। सवितान आश्रम? भाई वाह, सवितान के बारे में जैसा सुना था आज वैसा ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर पाया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं यहाँ से बहुत दूर। क्या आपको पता नहीं कि सवितान में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है? हाँ लेकिन आप मेरी और बात को जो पुरुष अनधिकारित यहाँ प्रवेश करता है हम उसे कठोर दंड देते हैं। ठीक है लेकिन मुझे कुछ कहने तो ये दीजिए। चक्कर मकर इधर उधर क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे उत्तर दीजिए। देखिए आप लोग जब मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा, अगर प्रश्नों पर प्रश्नों के बौछार करती रहेंगी तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? बेकार की बातें नहीं, जो पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दो। उत्तर किसी बात का होता है, बेबात का कोई उत्तर नहीं होता। जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? किससे? आप जाबू नरेश महाराजा शोण की पुत्री राजकुमारी रासा के सामने प्रस्तुत हैं। जाबू की राजकुमारी रासा? ये मेरा सौभाग्य है राजकुमारी, हमें आप अच्छी लगी। आप बड़े अशिष्ट हैं। आप ये भी नहीं जानते कि राजघराने के लोगों से कैसे बात की जाती है। आपको इस अशिष्टता का दंड दिया जाएगा सैनिकों। इसकी आवश्यकता नहीं है राजकुमारी, और वैसे भी मैं किसी की धमकी में ना कहीं आता हूँ और ना कहीं जाता हूँ। मैं थार ग्रह का राजकुमार जारांत। थार का राजकुमार? वो तो मेरे अंतरिक्ष यान को यांत्रिक खराबी कारण आपके यहाँ उतरना पड़ा। चलिए अच्छा ही हुआ आपसे परिचय भी हो गया। अब तक मेरा यान बनकर तैयार हो चुका होगा, मुझे चलना चाहिए। और हाँ भविष्य में यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कीजिएगा, ये दास आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है पिताजी, जब महाराज जारांत मेरा नाम सुनेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो हमारी सहायता को अवश्य आएंगे। महाराज जारांत को जाबू नरेश शोण की पुत्री रासा का अभिवादन। कदाचित आपको स्मरण होगा कि हमारी और आपकी भेंट एक बार सवितान आश्रम में हो चुकी है, इसीलिए मैं आपके पास ये संदेश भेज रही हूँ। इस समय हमारा जाबू ग्रह एक बहुत बड़े संकट में है और उस संकट का नाम है नारक। नारक ने मुझसे जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की थी। उस समय हमारे सवितान आश्रम की विद्या हमारे काम आई और मैंने स्वयं को बचा लिया, परंतु अब ऐसा लगता है कि नारक दोबारा हमला करने की योजना बना रहा है। हमारा जीवन खतरे में है। आपने भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद करने का वचन दिया था, अब आप अपना वचन निभाएं। मेरा ये प्रस्ताव है कि आप यहाँ आकर मुझसे विवाह करें और जाबू की रक्षा करें। जाबू की राजकुमारी रासा का विवाह प्रस्ताव, बाहुल तुम्हारा क्या विचार है? किसी भी स्त्री का निवेदन स्वीकार करना एक योद्धा का धर्म होता है महाराज, और राजकुमारी रासा तो सुना है अति सुंदर है और विदुषी भी। शुक्रांत महाराज तुम्हारा क्या मत है? संभवतः महारानी नासा को यह स्वीकार न हो महाराज। महाराज संभव है राजकुमारी रासा आपको वो उत्तराधिकारी दे सके जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। और यह भी संभव है कि वही उत्तराधिकारी भूषण की भविष्यवाणी सच करे। बाहुल मुझे मेरा उत्तर मिल गया, दूत जाओ और जाबू की राजकुमारी रासा को हमारी स्वीकृति की सूचना दे दो। जो आज्ञा महाराज।
कौन? शुक्रांत। आ जाओ। तुम लोग जाओ। अनर्थ होने जा रहा है महारानी। क्या घोर अनर्थ? महाराज जारान जाबू की राजकुमारी रासा को अपनी उपपत्नी और आपकी प्रतियोगी बनाकर लाने जा रहे हैं। महारानी, यदि ऐसा हुआ, रासा ने अगर महाराज को उत्तराधिकारी दे दिया, तो आपकी स्थिति इस थार के राजमहल में एक तुच्छ दासी की होकर रह जाएगी। तो मैं क्या करूं शुक्रांत? मेरा गर्व मुझे धोखा देता रहा है। मैं महाराज के लिए थार की तरह एक बंजर रेगिस्तान सिद्ध हुई हूं। शुक्रांत, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, जड़ी बूटियों के रहस्य से परिचित हो, रसायन शास्त्री हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसी औषधि नहीं दे सकते जिससे कि मैं गर्भवती हो सकूं? औषधियां तो बहुत है महारानी, परंतु उनमें जोखिम है। मैं संतान के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। हां महारानी, परंतु प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं सारे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं शुक्रांत, बस तुम मुझे वो औषधि दो। मैं रासा को थार की रानी बनने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन उससे पहले महाराज को उत्तराधिकारी देकर उसे थार की दासी जरूर बना सकती हूं। संभव है तुम्हारी औषधि से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरा पुत्र ही थार का मुक्तिदाता सिद्ध हो। जारांत ने तो विवाह की तिथि भी तय कर दी है। वो दो दिन के पश्चात अपने दल बल के साथ तुझे ब्याहने आ रहा है। पिताजी, मैं पूरी आशा करती हूँ कि महाराज जारांत यहाँ अपनी सेना के साथ आते हैं। सेना के साथ क्यों? जब नारक को पता चलेगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है, तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। राहु, ओमियान में किसी को शक तो नहीं कि तुम हमारे जासूस हो? नहीं महासामंत नारक, ओमियान में लोग मुझे निष्पक्ष सदस्य समझते हैं, सत्ता लोलुप और बर्बर राजाओं का विरोधी समझते हैं। हम तुम्हारे कौशल से परिचित रहो, इसीलिए तो तुम्हें ओमियान का सदस्य बनवाया है। राहु, जाबू ग्रह के बारे में कोई चर्चा हुई? जाबू ग्रह के बारे में कुछ सदस्यों ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु मैंने ओमियान की निष्पक्षता का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। बहुत अच्छे राहु, बहुत अच्छे। आपके लिए एक अशुभ समाचार है। वो क्या? क्या राजा शोण अपनी पुत्री को छुड़ाने के लिए हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे? नहीं, होशिन ने भविष्यवाणी की है कि रासा का पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। पूर्वक इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबू की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है, तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा,
विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर नारक पर आज हमारा राज खुल ही गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र लगी है तो राजकुमारी रासा और महाराज शोन की। नारक उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा।